गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू पढ़ाईपीडिया। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सॉइल रिसोर्सेज के बारे में, सॉइल रिसोर्सेज के इम्पोर्टेंस के बारे में, और फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल रिसोर्सेज। इसको हम थ्योरी पार्ट में भी पढ़ेंगे और मैप में भी समझेंगे कि हमारी जो टाइप्स ऑफ सॉइल है वो मैप में कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि भारत का नक्शा मैप ड्रा कर दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि बताइए कि एरिड सॉइल कहाँ पर मिलती है। तो पहले हम थ्योरी पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम मैप वाला पार्ट करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लैंड एज ए रिसोर्सेस, लैंड को हमने ग्राफ वाइज कवर किया था। उसके बाद हमने लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज के बारे में पढ़ा और उसके क्या क्या मेजर हैं, उसको लैंड डिग्रेडेशन को कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ा। तो स्टार्ट करते हैं सॉइल रिसोर्सेज के बारे में। सॉइल रिसोर्सेज, अच्छा एक बेसिक सा डिफरेंस पूछना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल, लैंड और सॉइल के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो बेसिक डिफरेंस यह है कि जो पूरा एरिया है, चाहे वो प्लेन्स हो, चाहे वो प्लेन्स हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो प्लेटी हो, दे आर कम्स अंडर द लैंड एरिया। लेकिन अगर इसको स्पेसिफिक किया जाए कि प्लेन्स में भी कौन कौन सी लैंड पाई जाती है या कौन कौन सी मिट्टी की पाई जाती है, जब उसको स्पेसिफिक किया जाएगा कि प्लेन्स में मान लीजिए हमको प्लेन्स में हमको एलुवियल सॉइल मिल रही है या प्लेटू में हमको एरिड सॉइल मिल रही है, तो ये स्पेसिफिक हो जाता है एरिया वाइज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉइल। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल रिसोर्सेज से। इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा सॉइल इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इससे पहले कि व्हाट इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो हाउ सॉइल इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो इसको एग्जांपल को समझते हैं। जैसे जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा होती है, कैसे इकट्ठा होती है, पानी से या बाढ़ की वजह से या हवा की वजह से, विंड एनर्जी की वजह से, तो वो दूसरी जगह इकट्ठा हो रही है, तो दूसरी जगह जा रही है, तो वहां पे जो एरिया है वहां पर मिट्टी मिल जाती है, तो उसके ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन में जो लावा निकलता है, जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो वो भी धीमे धीमे एक टाइम पीरियड में वो भी सॉइल बन जाता है। या फिर एक और एग्जाम्पल समझते हैं, हम जो ह्यूमन बींग है वो मिट्टी को पॉल्यूट कर देते हैं, तो वो यूजफुल तो रह नहीं जाती है मिट्टी, और फिर उसमें क्या होता है, इरोजन होता है, और मिट्टी कुछ और उर्वरक जो और भी इरोजन होते होते कहीं दूसरी जगह मिलती है तो फिर उसको यूजफुल बना देती है। जो मिट्टी पॉल्यूट हो गई थी वो मिट्टी यूजफुल हो गई, इसलिए मिट्टी को रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोला गया है। तो पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो लगभग 80% वेजिटेशन जो हमारे प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, वो कहाँ पर उगेंगे, मिट्टी पर ही उगेंगे, ये तो ऑटो अंडरस्टूड है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग है, हम किस पे रह रहे हैं, लैंड पर ही रह रहे हैं, लैंड को और स्पेसिफाई कर दिया गया उसमें सॉइल है, हम सॉइल पे रह रहे हैं। दूसरी चीज अर्थवॉर्म्स हैं, जो भी रेप्टाइल्स हैं या जितने भी और भी क्रिएचर हैं जो जमीन पर रह रहे हैं, तो उनको ये सपोर्ट करेगी। ठीक है, सॉइल को सपोर्ट करती है। तो फोर्थ पॉइंट हम बात करेंगे, फोर्थ पॉइंट है टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। मतलब मिट्टी को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो हमारा इम्पोर्टेंस की बात हो गई है कि हमारे
इम्पोर्टेंस क्या क्या है। पहला इम्पोर्टेंस हो गया ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, समझ लिया हमने कैसे रिन्यूएबल है, ये मीडियम प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है, दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है लाइक अर्थवर्म और ह्यूमन बीइंग्स। तो अब हम बात करते हैं ये लेयर्स ऑफ सॉइल की। इसकी मेनली चार लेयर हैं। फर्स्ट वन इज अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक्स, सबसे निचली लेयर है। निचली लेयर में आधारी चट्टानें ये अनवेदर्ड हैं, जो बिना किसी मौसम की वजह से बनी है, जो ऑलरेडी पहले से रॉक्स रॉक मटेरियल से बनी हुई है। इसको समझते हैं कि जैसे ये हमारी पृथ्वी में तीन लेयर होती हैं, जैसे फर्स्ट वन जो होती है क्रस्ट ऊपर वाला, सेकेंड वन मेंटल, थर्ड वन होती कोर ये वाले। तो इसमें क्रस्ट के सबसे निचले वाले पार्ट की ये अनवेदर पेरेंट बेडरॉक्स आती हैं, ठीक है। ये बिना किसी वेदर के इसमें कोई भी फर्क नहीं होता। इसके बाद ये पेरेंट रॉक्स दो तरीके से होती है, एक ये पेरेंट रॉक्स, ये एक तो सबसे निचले वाली है और इसके बाद ये है, ये दोनों पेरेंट रॉक है। लेकिन ये वाली पेरेंट रॉक दूसरी वाली ये बनती है वेदर की वजह से। अभी हमारा वेदर की वजह से कोई चट्टाने जो है पिघल जाती हैं, अवक्षयत हो जाती हैं और वो नीचे की तरफ आ जाती हैं, तो ये वही चट्टाने हैं जो वेदर की वजह से नीचे आ गई हैं और इसमें इन्होंने भी बेस प्रदान कर दिया है। अब हम ये दोनों चट्टाने हो गई हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे टॉप सॉइल एंड सब सॉइल के बारे में। टॉप सॉइल क्या होता है? टॉप सॉइल जो भी मिट्टी हमको ऊपर दिखाई दे रही है उसको हम बोलेंगे टॉप सॉइल। ये सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल है और ये वेजिटेशन को सपोर्ट भी करती है। क्यों सपोर्ट करती है? क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट पाया जाता है, दैट इज ह्यूमस। और इसके नीचे जो सब सॉइल आएगी उस सब सॉइल को एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एक जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने में हम नींव रखते हैं, तो ये एक तरह से नींव है जो कि वेदर की वजह से सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले, ये सब इनके अंडर में आता है, इसके कंटेंट में आएगा और इसकी वजह से ये एक वेदर से नीचे आ जाती है। जैसे हम घरों में सीमेंट लगाते हैं, सीमेंट जब ऊपर बिछाते हैं तो उसके नीचे कुछ मिट्टी और कंक्रीट डाल के उसको पक्का कर देते हैं, तो इसी तरीके से ये सब सॉइल काम करती है। तो ये चारों लेयर्स ऑफ सॉइल आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, दैट इज ए टाइप्स ऑफ सॉइल। तो अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, दैट इज ए टाइप्स ऑफ सॉइल। हमारे मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? तो मेनली छह प्रकार होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले एलुवियल आयल, जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल, इसको हिंदी में भी ये बोलेंगे लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट सॉइल, इसको भी हिंदी में लेटराइट ही बोलते हैं, एरिड सॉइल, मरुस्थली मिट्टी और फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, इसको वन मृदा बोलेंगे। अब हम इसमें एक एक करके डिफाइन करेंगे उसके फॉर्मेशन के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, कहाँ पर है, और उसको मैप में भी बताते चलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहली मिट्टी से, एलुवियल सॉइल से। तो एलुवियल सॉइल के बारे में हम पहले बात करेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन हुआ है हिमालयन जो रिवर है। अब हिमालयन रिवर कौन है? ये हिमालयन रिवर सिस्टम है, तीन जो नदी है, गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये हिमालय से निकली हुई है और इन्होंने जैसे ही माउंटेन्स के नीचे आके इन्होंने अपना एक डेल्टा बनाया है। क्या बनाया है? डेल्टा। अब डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा इस तरीके से आप समझ लीजिए, जैसे ये नदी आ रही है यहाँ से गंगा नदी, तो ये गंगा नदी कई हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। जैसे मान लीजिए इतना ये एक पार्ट इसका इधर चला गया, एक पार्ट इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो ये कई सारे हिस्सों में डिवाइड हो रही, तो ये एक पूरे हिस्से को क्या बोलेंगे? डेल्टा बोलेंगे। तो गंगा जो नदी है, इसी तरीके से इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो गंगा नदी मान लीजिए यहाँ से आ रही है, मान कह लीजिए ये आ ही रही है यहाँ से, तो ये यूपी, पंजाब और बिहार वाले एरिया में आके इसको फर्टाइल कर देती है, ये प्लेन्स एरिया को फर्टाइल कर देती है, तो यहाँ पर पाई जाती है एलुवियल सॉइल। तो हमको सबसे पहले ये पता चला कि
जो एलुवियल सॉइल है उसका जो निर्माण हुआ है वो हिमालयन रिवर सिस्टम की वजह से हुआ है, और हिमालयन रिवर सिस्टम ने किस तरीके से किया है, डेल्टा बना के किया है। डेल्टा हमने समझ लिया कि डेल्टा इसको कैसे कहते हैं, ये मैथ वाला डेल्टा नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसकी लोकेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी लोकेशंस अभी हमने जैसे यहां पर बताया कि गंगा नदी आती है, फिर यहां से ब्रह्मपुत्र नदी भी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी यहां से असम वाले एरिया में एंटर करती है, उसके बाद जो सिंध नदी है, सिंध नदी यहाँ पंजाब से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। तो लोकेशन इसकी हमको क्या समझ में आई, गंगा से हमको समझ में आया यूपी वाला एरिया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, और ब्रह्मपुत्र से हमको क्या समझ में आया, असम वाला एरिया। असम का नाम अभी इसका स्पेलिंग हो गया असम। फिर इसके बाद करेंगे ये जो सिंध नदी है ये जा रही है पंजाब से होते हुए पंजाब वाला एरिया, तो ये एरिया हो गया। इसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं, इन ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो इसकी लोकेशन आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से और भी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं, वो कौन कौन सी नदियां हैं, जो हमारा ईस्ट कोस्ट एरिया है उसमें तीन नदियां स्पेशली गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, ये डेल्टा बनाती हैं। कहां पर, ईस्ट कोस्ट पर डेल्टा बनाती हैं। तो एक तो यहां पर हो गया हमारा लोकेशन नॉर्दर्न प्लेन्स का, और दूसरी लोकेशंस हो गई हमारी, दूसरी हमारी होगी ईस्टर्न कोस्टल लाइंस। तो अब हम समझ गए हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल में पहले हमने पढ़ा जलोल मिट्टी के बारे में, कैसे बनी, रिवर सिस्टम से बनी। पहला रिवर सिस्टम कौन सा था, गंगा रिवर सिस्टम, सिंध रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उससे हमारा नॉर्दर्न एरिया में एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर गोदावरी, नीचे मैं लिख देता हूँ, ये जो ईस्टर्न कोस्टल लाइन है इसको कौन सी नदियों ने किया है, ये हमारी तीन नदियां जो साउथ ईस्ट कोस्ट में, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, ये तीन नदियों ने यहाँ पर एलुवियल सॉइल का निर्माण किया है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ये बात करते हैं कि इन एरियो को स्पेसिफिक बोला जाता है। जैसे पंजाब वाले एरिया में इसको द्वार्स के नाम से बोला है, इसको चोस के नाम के बोला जाता है, यूपी में इसको बोला जाता है तराई के नाम से, तराई प्रदेश के नाम, और आसाम में इसको क्या बोला जाएगा, आसाम में इसको द्वार्स के नाम से बोला जाएगा। ये स्पेसिफिक उसकी नाम दिए गए वहां की लोकल लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ लिया फॉर्मेशन के बारे में, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर सिस्टम से। उसके बाद हमने पढ़ा कि पंजाब में इनको क्या बोला जाता है, यूपी में तराई का मैदान, असम में इसको द्वार्स बोला जाता है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं, इसमें भी दो कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी है खादर, दूसरी कैटेगरी है बांगर। अब खादर और बांगर क्या है, ये दोनों एलुवियल सॉइल हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो बांगर है वो पुरानी मिट्टी है और जो खादर है वो न्यू है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे हम याद रखेंगे, तो बांगर से आप थोड़ा याद रखिए, जो बांगर का सामान होता है मतलब जो पुराना हो जाता है उसको हम बांगर कहते हैं, खादर मतलब नया सामान, ठीक है। तो हम इसको आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं, बांगर मतलब जो बांगर है जो सही नहीं है, ओल्ड है। अब इसमें भी एक बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द खादर एंड बांगर, तो आप ये समझ सकते हैं क्योंकि ये ओल्ड होती है। अब ये ओल्ड कैसे हो जाती है ये भी मैं बता देता हूँ आपको, कि जैसे ये रिवर सिस्टम है, नदी का आ रहा है, कभी यहाँ पर इसका एक धारा चली जा रही है, लेकिन उसके बाद इसने नदी अपना कभी कभी वे बहने का चेंज कर लेती है, तो अब यहाँ पे ना जाके वो इस साइड चली गई, तो इस पहले यहाँ पर पहले जा रही, तो यहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बांगर। तो नदी ने अपना बहने का जो रूट चेंज कर लेती है, उसके हिसाब से जो पुराना रूट होता है उसको, उस मिट्टी को हम बोलेंगे बांगर मिट्टी, और जो न्यू होगी जहाँ के जहाँ पर नदी बह रही उसके आसपास की मिट्टी को क्या बोलेंगे, खादर मिट्टी। तो इसका डिफरेंस समझ में आ गया। इसको हम और भी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट में अगर क्वेश्चन आता है दो नंबर का, तो हम ये लिख सकते हैं खादर इज मोर फर्टाइल देन बांगर, क्यों, क्योंकि ये न्यू है, यहाँ पर नदी बह रही है,
दूसरा दिस इज न्यू सॉइल, दिस इज ऑयल सॉइल, तो ये हम इसका डिफरेंस लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके कंटेंट के बारे में कि इसमें क्या क्या कंटेंट होता है जिसकी वजह से ये बहुत ही फर्टाइल है। तो सबसे पहला है पोटाश, इसमें पोटाश और फास्फोरस काफी पाया जाता है, ठीक है। तो पोटाश और फास्फोरस काफी पाया जाता है जिसकी वजह से इसमें गन्ने की खेती, चावल की खेती और गेहूं और दालों की खेती की जाती है, ठीक है। शुगर केन, पैडी, पैडी किसको बोला जाता है, चावल की खेती को। दूसरा दाल, दाल हो गया और गेहूं हो गया, इन सब की यहाँ पर खेती अच्छे से की जाती है। तो आपको पता होगा वैसे भी यूपी का एरिया या बिहार का एरिया या पंजाब का एरिया, यहाँ पर सबसे ज्यादा फर्टाइल एग्रीकल्चर होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर एलुवियल सॉइल है। और क्यों है एलुवियल सॉइल, बिकॉज ऑफ द गंगा नदी सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम, और इनकी वजह से यहाँ पर फर्टिलिटी ज्यादा है। और जहाँ पर फर्टिलिटी ज्यादा होती है वहां पर जनसंख्या का घनत्व भी ज्यादा होता है। अब एक चीज और आप समझ रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि ईस्ट कोस्ट पर तो ये नदी सिस्टम तीन, गंगा, कावेरी और कृष्णा बना देते हैं, लेकिन क्या ये वेस्ट कोस्ट में नहीं होगा क्या? वेस्ट कोस्ट में, ये वेस्ट कोस्ट है, जैसे अगर हम इसको डिवाइड करें नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये वेस्ट कोस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वेस्ट कोस्ट। और इसको क्या बोला जाएगा? ईस्ट कोस्ट। कोस्ट माने जो तट होते हैं, वो क्या बोला जाता है? तट। ईस्ट कोस्ट पूर्वी तट, ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट में ये नदियां यहां पर गिरती होंगी, तो यहां पर डेल्टा नहीं बनाती क्या? तो यहां पर जो नदियां गिरती हैं वो डेल्टा ना बना के एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। अब एस्चुरी क्या होता है, तो डिफरेंस आप समझ लो डेल्टा और एस्चुरी में। जो डेल्टा बनाते हैं इसका मतलब ये होता है वो अपनी शाखाएं नदियों की इधर से उधर कई जगह चली जाती हैं, तो उस पूरे एरिया को डेल्टा बोलते हैं। लेकिन एस्चुरी में ऐसा नहीं होता है। एस्चुरी में जो नदी आ रही है वो यहाँ पर डीप स्टीप है, मतलब बहुत सारी गहरी गहरी खाइयां हैं, वो सीधे डायरेक्ट खाइयों में गिर जाती है। यहाँ पर इस तरीके से मैदान नहीं है, इस वजह से यहाँ पर प्लेन्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? डीप स्टीप मिलेंगे, और इस वजह से यहाँ की जो नदियाँ हैं एस्चुरी बनाती हैं। अगर आप वैसे भी देखेंगे, जैसे यहाँ पर गोवा वाला एरिया है, गोवा में या मुंबई में आप जाएंगे तो वहाँ पर वाटरफॉल्स काफ़ी मिलेंगे, या यहाँ पर केरला वाला एरिया है, केरला वाले एरिया में काफ़ी वाटरफॉल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा बनता ही नहीं है, यहाँ पर सीधे डीप एस्चुरी पाई जाती है। तो अब हम समझ गए हैं कि डेल्टा हमारा कहाँ कहाँ बनता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में और ईस्ट कोस्ट में। और एलुवियल सॉइल में हमने क्या समझा, खादर भी होती है और बांगर भी होती है। खादर न्यू सॉइल होती है, बांगर ओल्ड सॉइल होती है। फर्टिलिटी किसकी ज्यादा होती है? खादर की। क्यों? क्योंकि वो न्यू सॉइल है। बांगर में जो नदी पहले बहती थी वहाँ, वो अब नहीं वहां से बह रही है, तो ये बांगर हो गई। तो एलुवियल सॉइल के बारे में आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाकी सॉइल के बारे में, और इसको मैप में भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए पढ़ाई पीडिया।